नमस्कार। एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी आर्टिस्ट जो है अवनीत्रा दीक्षित। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और डी खुशाल भाई ज्वेलर की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है, तो डी खुशाल भाई ज्वेलर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवनी जी की बात करते हैं। अब हमारा जो शीर्षक था कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और अवनीत्रा दीक्षित जी सूरत की जानी मानी आर्टिस्ट है, संगीत विशारद, गायन, डिप्लोमा नृत्य, भरतनाट्यम विशारद, बीए नृत्य अलंकार मास्टर्स, एमए विथ इंग्लिश, बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया हुआ है उन्होंने। अभी अभी कुछ उनको अवार्ड भी मिला है, वो भी हम उनसे बात करेंगे। मेंबर टू अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। और दूसरी उनकी जो प्रवृत्ति है, मतलब कि वो एक संस्था में डायरेक्टर है, वो संस्था का नाम है नव गांधर्व सेंटर फॉर म्यूजिक एंड डांस विद इंग्लिश प्रोफेसर है TRB कॉलेज सिटी लाइट की सूरत में, डायरेक्टर है नवनिर्माण कॉमर्स कॉलेज की भी। मतलब अवनीत्रा जी की बात करें तो वो एक आर्टिस्ट भी है और एजुकेशन फील्ड के साथ भी वो जुड़ी हुई है, दोनों काम साथ करती है। तो ऐसी ही अवनीत्रा जी दीक्षित को फिर से स्वागत एंड सम्मान करती हूँ आपका विश्व महिला दिन पे। और आपके बारे में बहुत कुछ मैंने तो बता दिया है, लेकिन आप भी आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप काफ़ी सारी प्रवृत्ति करती है, मतलब आर्टिस्ट है और साथ में एजुकेशन फील्ड में भी है, तो किस तरह से आपका ये वर्क है वो किस तरह से आप मैनेज करती है? नमस्कार। सबसे पहले तो यामिनी बहन का मैं आभार व्यक्त करूँगी कि उन्होंने मुझे आज के दिन इन्वाइट किया और एक अच्छा सा हम प्रत्यक्ष इंटरव्यू मेरा ले रही है। सो ये मेरी आई एम लकी कि यहाँ पर मैं हूँ। तो एक्सोटिक मीडिया का, मनोज भाई का, यामिनी बहन का आभार। यामिनी बहन ने वैसे तो शॉर्ट में काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो बचपन से घर में संगीत नृत्य का माहौल रहा जी। तो मम्मी पापा मेरे दोनों आर्टिस्ट रहे। मम्मी ने अपनी शादी के बाद मेरे पापा से संगीत की शिक्षा ली, तो मम्मी भी म्यूज़िक में, पापा भी म्यूज़िक में, और हम बहुत छोटे थे तो गोद में लेकर मम्मी पापा प्रोग्राम्स किया करते थे। मम्मी गा रही है, मैं गोद में सोई हूँ, तो इट इज़ लाइक कि खून में, ब्लड में हमको ये विरासत में मिला। जी जी जी। मम्मी मेरी ट्रेन डांसर नहीं, लेकिन बहुत अच्छी गरबा कोरियोग्राफी करती थी। बहुत सारी जगह पर मेडल्स, शील्ड्स, कॉम्पिटिशन्स में, फेस्टिवल्स में उन्होंने किया, तो शायद इससे संगीत के साथ साथ नृत्य भी मेरे में बचपन से ही रहा। एंड मैंने उसकी तालीम ली। भरतनाट्यम के जो 8 गुरु हैं उनमें से एक स्वर्गस्थ भारत रत्न श्री कुबेरनाथ तांजोरकर जी से मैंने भरतनाट्यम की नृत्य आराधना शुरू की, उन्हीं से शिक्षण प्राप्त किया। उसके साथ साथ मैंने अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल जो महाराष्ट्र से बॉम्बे में स्थापित हैं, उन वहाँ से मैंने प्रारंभिक से लेकर अलंकार मतलब मास्टर्स तक की नृत्य में और वोकल गायन में भी मैंने अपनी शिक्षा और एग्जाम्स पास करी। तो संगीत पापा से भी सीखा, मेरे पापा संगीताचार्य श्री दिनेश मजमूदार, उनसे संगीत सीखा, और नृत्य कुबेरनाथ जी से सीखा जी। यामिनी बहन, बहुत कम ऐसा होता है कि लड़कियां जो शादी से पहले करती है वही चीज़ें शादी के बाद भी कर पाती है। सही बात तो है। ऐसे माहौल में बड़ी हुई तो कभी हमको प्रोग्राम्स बचपन से करती रही, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पढ़ाई भी ना करूं। मम्मी पापा का भी इंसिस्टेंस रहा कि नहीं, पढ़ाई तो ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई भी की। तो आर्टिस्ट माहौल में पलने बढ़ने के साथ लैंग्वेज में इंटरेस्ट रहा मेरा, तो मैंने बीए विथ इंग्लिश लिटरेचर किया, उसके बाद मास्टर्स भी किया
आई वॉज सेकेंड इन द यूनिवर्सिटी. तो अच्छा रहा, मतलब लिटरेचर और म्यूज़िक, भाषा देखो, संगीत देखो, नृत्य देखो, सब कला ही है. तो भाषा भी इस तरीके से पढ़ाई में प्राप्त करी जी. और शायद बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि मैं इंग्लिश के साथ, इंग्लिश में इंटरेस्ट था लेकिन इंग्लिश के साथ पढ़ाई करूँगी तो वो मुझे मेरे डांस को इंडिया के बाहर भी शायद हेल्प करेगा. इंडियन हमारी ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को अगर फॉरेन में ले जाना है तो एक फॉरेन की लैंग्वेज अगर आती होगी तो हम बहुत अच्छे से वहाँ के लोगों को एक्सप्रेस कर सके. तो शायद बैक ऑफ द माइंड इंग्लिश लेने का, ऐसे अच्छी थी इंग्लिश पर पढ़ने का शायद मुझे बैक ऑफ द माइंड ये चलता होगा, इसलिए वो मैंने पढ़ाई करी. 9 साल तक मैंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर में डांसिंग लेक्चरर की जॉब करी, एसपी यूनिवर्सिटी में. उसके बाद हम बड़ौदा शिफ्ट हो गए पापा के रिटायर होने के बाद. पापा वॉज फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ कला केंद्र कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस वल्लभ विद्यानगर, एसपी यूनिवर्सिटी. मम्मी वॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल में म्यूजिक टीचर थी. दोनों रिटायर होकर हम बड़ौदा के हैं तो बड़ौदा आ गए. वहाँ पर भी म्यूजिक डांस, हमारा रिसर्च एक सेंटर था वहाँ पर म्यूजिक डांस के मैं क्लासेस लेती थी. 9 साल में अभी तक अगर मैं गिनूं, आज अभी भी मैं परफॉर्मेंस कर रही हूं और क्लासेस बच्चियों को तैयार करती हूं, तो मेरे अंडर में एग्जैक्ट तो नंबर नहीं लेकिन 700 से 800 लड़कियां मेरे अंडर भरतनाट्यम में ट्रेन हुई. प्रोग्राम्स दिए मैंने देश में, विदेश में, स्टेट में, तो करिए सूरत में भी दिए हैं, बड़ौदा, अहमदाबाद, दूरदर्शन पर, ऐसे हमने बहुत कार्यक्रम किए. और जब बड़ौदा के बाद सूरत में शादी हुई तब मेरी यात्रा थोड़ी सी अब डिफरेंट हो गई. मतलब कहानी में ट्विस्ट ट्विस्ट वहाँ से आया कि सूरत में जब आई तो सूरत में तब म्यूजिक कॉलेज नहीं थी, अब है. पिछले ये 11 साल से सूरत में भी स्कोपा हमारी म्यूजिक कॉलेज, डांस कॉलेज है, लेकिन मैं जब यहाँ पर आई तो म्यूजिक कॉलेज था नहीं. तो तब मेरी वो इंग्लिश वाली डिग्री मेरे काम में आई. वैसे बड़ौदा थी तब भी मैंने 2 साल इंग्लिश लेक्चररशिप की थी गुजरात यूनिवर्सिटी में, बड़ौदा के पास हालोल है वहाँ पर. यहाँ आने पर कल्चर डिफरेंस अभी तो बोल सकते हैं कि मैं 19 साल से सूरत में हूँ तो एज गुड एज सूरती, बट शुरू में सूरत इतना अच्छा नहीं लगा, भाषा उतनी नहीं, ऐसे थोड़ा कल्चर शॉक लगा था तो बहुत दुखी होती थी, स्पेशली नवरात्रि में, क्योंकि आप बड़ौदा की नवरात्रि देखो और सूरत की देखो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. बड़ौदा में सुगम संगीत स्टाइल के एकदम लाइट म्यूजिक पे, तबले पे गरबे होते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा बम्बैया स्टाइल है तो ड्रम बीट्स पे गरबे. तो शुरुआत में मुझे थोड़ा कल्चर शॉक लगा, तो मैंने सोचा कि ऐसे बैठी रहूँगी तो रोती रहूँगी, तो डांसिंग शुरू कर दो सूरत में आके भी, और यहाँ पर कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू किया. और 2002 में मैंने फिर इंग्लिश लेक्चररशिप मुझे DRB कॉमर्स कॉलेज में मिली और उसके 7 महीने बाद ही मुझे वहाँ पर इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया. तो 17 साल तक मैं वहाँ पर इंग्लिश लेक्चरर और प्रिंसिपलशिप मैंने करी. उसके बाद डांसिंग की यात्रा तो उसके साथ साथ चालू ही थी, क्योंकि वो अगर मैं डांसिंग छोड़ दूँ या मैं गाना छोड़ दूँ तो शायद मैं इंग्लिश ना कर पाऊँ. कॉलेज में पढ़ाना वो भी एक शौक है, इंटरेस्ट है टीचिंग का, बट दोनों बहुत अलग बातें हैं. तो मैं डांस करती हूँ और गाती हूँ तो शायद मैं वो सुबह वाली नौकरी कर पाती हूँ. तो संगीत और नृत्य मेरी जान है जी, उसमें मेरा जीवन है. अगर वो नहीं करूँगी तो शायद मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊँगी, ये मेरा पैशन है. तो इस तरीके से दोनों को बैलेंस करने के लिए यस, एज अ फीमेल थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बहुत, मैंने बोला जैसे लड़कियों की लाइफ चेंज हो जाती है शादी के बाद, तो मैं इतनी लकी हूँ कि शादी भी मेरे सांगीतिक फैमिली में हुई. मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित, बनारस यूनिवर्सिटी में म्यूजिक के डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर अर्चना दीक्षित, बनारस यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कॉलेज के रिटायर्ड डीन. तो मतलब संगीत, एक संगीत के घर से दूसरे संगीत घर में, दोनों साइड में आपको, मतलब आपका जो शौक है, कला वाला माहौल, कला वाला माहौल बना और सबने सपोर्ट किया, तभी आप इस जगह को, मतलब जो आपने अचीव करना था वो सब कुछ किया आपने. जी जी, मतलब आपने गाने में भी, मतलब संगीत में भी काफी रुचि थी और काफी रस किया है, तो आपको गाना भी तो सुनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो गाना सुनाना पड़ेगा. लेकिन हम जर्नी की बात करें तो अवनीत राज जी की जो जर्नी थी,
आज शायद किसी को नहीं पता होगा कि उन्होंने कहाँ से कहाँ तक ये गए हैं और क्या किया है, तो आज आप सबको देखने को मिल रहा है कि उनकी स्टोरी एक प्रत्यक्ष आपको जानने को मिल रही है। तो अवनिंद्रा जी, और आप कुछ आपके बारे में बताना चाहेंगी क्या? हाँ, एक जैसे मैं हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में मिल रहे हैं, तो मुझे ये प्रेजेंट करने में बहुत खुशी होती है, ये बताना ज़रूरी मैं समझती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि अभी भी हमारे यहाँ पर थोड़ा माहौल कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हर फीमेल, हर लेडी शादी के बाद नहीं कर सकती है। है तो मैंने जैसे बोला, दोनों घर में मुझे संगीत के माहौल में आई, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ म्यूज़िक फील्ड में थे, हस्बैंड को इंटरेस्ट है तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, सपोर्ट किया। थोड़ी मुश्किल तब आई जब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र, मेरी डॉटर बॉर्न हुई, उसके बाद वो सेकेंड स्टैंडर्ड में आई और उनकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई गांधीनगर। तो गुजरात गुजरात था, तो मुझे बहुत मुश्किल नहीं हुई, मैं यहीं पर थी, मेरी कॉलेज की जॉब थी जी, जी, और बेटी का स्कूल का टाइम मेरी कॉलेज का टाइम सेम था, तो मुश्किल नहीं हुई। उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र दिल्ली हुई, तो बहुत दूर चले गए, बेटी छोटी थी, उसके साथ कॉलेज को मैनेज करना, उसकी स्कूल को मैनेज करना, सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब होता था। बेटी भी मेरी बहुत एक्टिव थी, तो स्कूल के एनुअल फंक्शन में सब पेरेंट्स हैं और मेरी बेटी के साथ मैं रहती थी, पर उसके पापा नहीं होते थे, उसको प्राइज लेते देखना, उसको परफॉर्म करना, उसके फोटोग्राफ्स खींचना, तो वो थोड़ा मुश्किल हुआ। तब उसको भी समझाना थोड़ा मुश्किल होता था, वो पूछती थी कि पापा क्यों नहीं है, तो तब थोड़ा ऐसे हुआ कि कैसे चलेगा, लेकिन ऐसे वो भी अच्छे से मैनेज हो गया। 9 साल ऐसे चला, दिल्ली के बाद उनके ट्रांसफ़र कलकत्ता हुई, कलकत्ता के बाद बंगाल में ही दुर्गापुर गए, दुर्गापुर के बाद वापस दिल्ली, उसके बाद रायपुर और फिर फाइनली वापस से सूरत में है। तो वो 9 साल थोड़ी दिक्कतें हुई, थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आर्ट की यात्रा भी चालू रही और कॉलेज की यात्रा भी उसी के साथ चालू रही। लेकिन सपोर्ट सोसाइटी से भी मिला, फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, मेरी डॉटर भी बहुत कोऑपरेटिव रही, मदर इन लॉ फादर इन लॉ तो थे ही, मेरे पेरेंट्स, खैर अभी मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे फादर इन लॉ भी नहीं रहे, लेकिन मम्मी अभी भी एक्टिव है, वो अभी भी सपोर्ट करती है। इतनी अभी ये साल से मुझे कॉमर्स कॉलेज की डायरेक्टरशिप भी मिली, तो सुबह के गए शाम को आती हूँ, लेकिन वापस जैसे ही मेरे सेंटर पे चली जाती हूँ मैं वापस एकदम ताकतवर से भर जाती हूँ, ताकत से और लग पड़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर लेडीज़ में पैशन हो और हमने अगर ठान लिया है कि हमको ये करना ही है जी, तो हम कहीं से भी टाइम निकाल पाते हैं। ऐसे नहीं कि सुबह की ये नौकरी करके आ गई, मैं थक गई, मैंने घर में कुक नहीं रखी है, मैं अपने आप कुकिंग करती हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। पर ये जो मेरी ताकत मुझे मिलती है मेरे डांसिंग के, मेरे सिंगिंग से, ये जो मेरा स्टूडियो है वहाँ पहुँच जाती हूँ, तो वो ताकत लेके फिर वापस सुबह उठ के उसी में चले जाओ। तो पैशन होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं आप म्यूज़िक डांस करो, कोई भी पैशन, कोई भी आर्ट हो, तो आर्ट इज़ लाइफ। अगर आप में कोई आर्ट होगी तो आपको जीने की राह दिखाएगी, मुश्किल पड़े। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ। जी बताइए जी। मैं जब घर में कभी थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेती हूँ, डांस कर लेती हूँ या गाने लगती हूँ, तो मेरे हस्बैंड तुरंत पूछ लेते हैं कि गुस्से हो क्या या तो आज दुखी हो, डिस्टर्ब हो। तो आर्ट ऐसी है, जब हम दुखी होते हैं तब भी वो हमको हील करती है। बिल्कुल, हम गुस्से में होते हैं तो हमको कंट्रोल करती है। हम अगर मैं म्यूजिक में या डांस में खो जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं किससे डिस्टर्ब थी, मेरे साथ क्या हुआ था, किसी ने मुझे कुछ बोला था या मेरा काम ये नहीं पूरा हुआ तो क्या होगा, वो सब भूल के वापस शक्ति आ जाती है, पैशन आ जाती है, कंट्रोल हो जाते हैं। इट्स अ मेडिटेशन, सिंगिंग डांसिंग एक मेडिटेशन है, कोई भी आर्ट। तो डिफिकल्टीज रही, लेकिन पैशन ज़्यादा अगर रहती है और एक एक भक्ति है ये, तो एज के साथ, अभी मुझे थोड़े दिन पहले ही एक फैमिली फ्रेंड अभी बने हैं, उन्होंने पूछा कि आप 50 के हो गए, मैंने बोला मैं 53 की हूँ तो आप अभी डांस करते हो, मैंने अभी भी मतलब क्या, डांस में बचपन से, मतलब मैं 4 साल की हूँ तब से मैं डांस करती हूँ, तब से गाती हूँ जी, तो जी, वो जैसे रोज ब्रश करना वैसे रोज डांस करना जी, तो जी, ये पैशन जब तक फिजिकली हम फिट हैं, हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो मुश्किल आई, बट शायद
ये फील्ड ने ही, ये म्यूजिक और ये डांस ने ही मुझे मुश्किलों को उसको झेलने की ताकत भी दी. जी बहुत ही अच्छी बात है अवनी जी. और आपको अभी अभी जो अवार्ड मिला है वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए. जी जी, अवार्ड की बात, इससे पहले मैंने दूरदर्शन पे, फिर रशियन फेस्टिवल में, इंडो वेस्टर्न फेस्टिवल हुआ, इंडो रशियन फेस्टिवल हुआ, पूरी डांस फेस्टिवल और बहुत सारे फेस्टिवल्स में अवार्ड्स मुझे भी मिले. जी उसके बाद कई पिछले 4-5 साल से ऐसे ऑफर्स आ रहे थे कि दुबई डांस फेस्टिवल हो रहा है, आप अपने बच्चों के साथ आएंगे. एथेंस में लास्ट गई थी 5-6 साल पहले, एथेंस में मेरे इंटरनेशनल डांस कॉन्फ्रेंस में गई. उसके बाद ये 4 साल से बहुत ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन जब भी यहाँ का डांस फेस्टिवल तब यहाँ पर कॉलेज के एग्ज़ाम्स. जी तो ये हमेशा मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करता रहा. और अभी कोविड में पूरी जो आर्टिस्ट का जो ग्रुप है जी जी, वो कोविड के टाइम में थोड़े डिस्टर्ब रहे जी. और उसमें से अहमदाबाद के एक रंग सागर परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम का एक इंस्टीट्यूट है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके डायरेक्टर हैं नरेश भाई पटेल करके. जी जी जी, उन्होंने सब आर्टिस्ट को एक ओपन इन्विटेशन दिया कि उन्होंने कुछ ऐसा सोचा है कि क्यों ना हम गांधी निर्वाण दिन पे, 2 अक्टूबर हम गांधी जी का जन्मदिन तो हम सब मनाते हैं जी, पर निर्वाण दिन की सेलिब्रेशन बहुत कम होता है, बच्चों को तो शायद इतना याद भी नहीं रहता है जी. तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि 30th January को डांस, ऑल आर्टिस्ट, मतलब डांसर, म्यूजिशियन, पेंटर, योग, जितने भी ये आर्ट फील्ड के लोग हैं, ये रघुपति राघव राजाराम जी और वैष्णव जन तो तहने कहिए, ये दोनों गांधी जी के प्रिय भजन पर विश्व भर में आप शाम के 7 बजे से 7:15 बजे तक वर्चुअली आप फेसबुक पे, ट्विटर पे आइए और गायक है वो ये भजन को गाए, इंस्ट्रूमेंट वाला उसको बजाए, डांसर डांस करे, ऐसा करके उन्होंने ये इन्विटेशन दिया. तो पहले तो मैंने सोचा कि इसको एक्सेप्ट करे, फिर नरेश भाई ने बोला कि कंसेप्ट अच्छा है और गांधी जी के लिए मुझे भी लगा कि निर्वाण दिन बहुत कम सेलिब्रेट आर्टिस्ट ने बहुत कम किया है, जैसे गांधी आश्रम में गांधी जी पर निबंध लेखन स्पर्धा ऐसी होती, लेकिन कोई म्यूजिक ने या आर्ट पेंटर ने या डांसर ने निर्वाण दिन पे कुछ किया हो ऐसा नहीं था. तो मुझे लगा कि चलो पार्टिसिपेट करते हैं. जी जी, जी. तो मैंने और मेरी डॉटर डॉक्टर शांभवी दीक्षित दोनों ने, उन्होंने वैष्णव जन पर परफॉर्मेंस दिया और मैंने रघुपति राघव, मेरे पापा के एक स्टूडेंट हैं फ्लूट के, भूषण पाठक जो राजकोट में हैं, उन्होंने फ्लूट पर रघुपति राघव बजाया और मैंने रघुपति राघव पर रघुपति राघव भजन नहीं करके संक्षिप्त रामायण की वो भजन की धुन पर पूरा रामायण प्रस्तुत किया. तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ कि एक साथ 7 बजे से, मतलब विद इन 15 मिनट्स, विश्व भर में 4,000 से ज़्यादा लोगों ने ये दोनों भजन पर, हर आर्टिस्ट ने कुछ परफॉर्म किया. तो ये हम लोग हो गए हैं ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. और 30 जनवरी को ये प्रेजेंटेशन हुआ और फेब्रुवरी के 1st week में हमको सर्टिफिकेट और मेडल डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा लगा ऐसा, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, ये कुछ अलग टाइप का था हुआ जिसमें मतलब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, वो बहुत बड़ी बात है. तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभेच्छा आपको. थैंक यू. और आगे चल के और एक बात आप, मतलब बात पूछनी नहीं थी आपसे, आपने इतने सारे, मतलब आप आर्टिस्ट हो, आप डांसर हो, आप सिंगर हो, आप एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हो, और जिस तरह से आपने बोला कि डांसिंग और सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है कि जहां हम दुखी होते हैं हम उसमें मोटिवेट हो जाते हैं, हमें एक अच्छा माहौल मिल जाता है, हम जो भी कुछ हुआ वो भूल जाते हैं. तो मैं चाहती हूं कि हमारी जो दर्शक देख रहे हैं वो दर्शकों को भी आप कुछ सिंगिंग, आप कुछ 2 लाइन आप सुना दीजिए. ओके. आपकी आवाज़ में. ठीक है.
एकदम से मुझे आइडिया नहीं था कि आप मुझे गाने को भी बोल देंगी, पर एक शिव स्तुति जी बिल्कुल, एक शिव पर श्लोक है जो हम जैसे ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियन हमारी बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी अगर प्रेजेंट होते हैं तो शुरुआत हम गणपति वंदना जी, और शिव स्तुति से करते हैं, सही बात है। तो ये हम डांसर्स भी यही श्लोक से हमारा डांस कोई भी परफॉर्मेंस हो तो शुरू करते हैं जी। तो शिव जी को याद करूंगी मैं, डायरी नहीं लाई हूँ नहीं तो कुछ और सुना देती, ये श्लोक मुझे याद है वो सुना सकती है जी जी। हमें तो सिर्फ आपकी आवाज, आप सिंगिंग कैसे करती वो ही सिर्फ सुनना है बस, ठीक है श्योर, थैंक यू। शिव स्तुति जी, इसमें शिव जी का वर्णन है कि शिव जी कैसे, तो शिव जिनका अंग पूरा ब्रह्मांड है, जिन्होंने जिनके ऑर्नामेंट्स नाग जी, जो जी, उनके ऑर्नामेंट्स पूरे सर्प गले में, शिर में गंगा बहती है जी, वैसे शिव जी को मैं नमन करती हूँ। पूरा श्लोक है जिसको दो तीन मुद्राज में बताया जी जी जी। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववामयम् आहार्यं चन् बात है, बहुत ही अच्छी आपकी आवाज़ भी इतनी ही सुंदर है सुन के, मतलब एक अच्छे माहौल में मैं भी चली गई थी 2 मिनट के लिए। बहुत ही धन्यवाद आपका मैम। और लास्ट में एक वन लाइन में हमारे जो महिला दर्शक है, विश्व महिला दिन अंतर्गत ही हमारा पूरा शो है, तो आप एक मैसेज भी दे दीजिए हमारी वुमन्स को, महिलाओं को, वर्ल्ड वाइड हमारी महिला ये कार्यक्रम देखेंगी तो ज़रूर आपका एक मैसेज दीजिए। बिल्कुल, वैसे कोई इतनी बड़ी डिग्निटी हूँ नहीं कि मैं कोई ऐसा कुछ सलाह मशवरा दे सकूँ, खाली मेरी लाइफ से मुझे जो मिला है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये आई थिंक सबको ये शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल, कि वी हम फीमेल, एक इंग्लिश की हूँ तो इंग्लिश की भी एक बात बोलूँगी, जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलती हूँ कि शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत बड़े, जैसे हमारे नटराज की मैंने बात करी, वैसे शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत बड़े लेखक हो गए, तो उन्होंने विमेन, हम स्त्रियों के लिए, स्त्री हूँ लेकिन फिर भी उन्होंने जो बोला वो बताती हूँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जेलसी दाई नेम इज वुमन, मतलब ईर्ष्या का दूसरा नाम स्त्री है, लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ पावर दाई नेम इज वुमन, नारी एक शक्ति है। बिल्कुल, वो शारीरिक हम दुर्बल नहीं है इसलिए ही हम दूसरा जीवन दे पाते हैं। बिल्कुल, स्त्री है। स्त्री ही बच्चे को जन्म दे पाती है क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो दूसरे जीवन को जन्म दे पाती है, तो शी इज पावर। तो वुमन दाई नेम इज पावर, जेलसी तो है, हम जेलस होते हैं, ये कितनी सुंदर है, मैं क्यों मोटी हूँ, ये क्यों पतली है, ये सब तो है, लेकिन पावरफुल भी हैं हम, पर ये पावर सही जगह पर, कहाँ पर, कैसे हमको प्रेजेंट करना है और कहाँ पर दर्शाना है, रो के झगड़ के नहीं लेकिन बहुत संभल के इसको अगर हम यूज़ करें, विथ हम में जो डेलिकेसी है, हम जो बहुत डेलिकेट होते हैं तो बहुत दयालु होते हैं, लेडीज़ दयालु होती है, हम में प्रेम ज़्यादा रहता है, तो वो सबको हम एक आर्ट में ढाल लें,
कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आर्ट नहीं है, स्त्रियों में वो ज़्यादा होती है। बच्चे को सुलाने के लिए हर माँ गाती है और हर बच्चे को अपनी माँ का कंठ बहुत सुंदर ही लगता है। मेरी माँ लता मंगेशकर, मेरी मम्मी आशा भोसले, सबको तो हर माँ हालरडू जिसको गुजराती में हम बोलते हैं सुलाने के लिए, बच्चे को ललबी इंग्लिश में बोलते हैं, सुलाने के लिए गाती है। तो हर औरत में वो डांस कर सकती हैं, वो गा सकती हैं, वो नीडल से काम कर सकती हैं, कुछ ना कुछ, या तो ऐसा कुछ भी करे जिससे कि वो खुद को अपना समय दे पाए और खुद को पहचान सके। अगर ये हम कर ले, हर औरत खुद को पहचान ले कि मेरे में ये अच्छा है और ये मेरी बुराई है, उसको मैं कम करूं और ये अच्छाई को मैं थोड़ा और बढ़ाऊं, तो शायद मुझे लगता है कि वर्ल्ड की कोई भी स्त्री दुखी नहीं होगी और हर स्त्री हर एक को इंस्पायर करेगी। जी बहुत अच्छी बात है। और वुमन आर पावर, जैसे आपने कहा, मेरा भी शीर्षक यही है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ और वुमन आर पावर एंड हैप्पी वुमन्स डे फिर से सबको। और अवनिद्रा जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ, फिर से स्वागत और सम्मान भी करती हूँ। और आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ आपकी बातें शेयर की, तो हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं वापस ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ, हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।